राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से इस वक्त की खबर। अंबेडकर नगर तिल मिलाए कोतवाली प्रभारी टांडा ने दिया विवादित बयान। अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुलेमपुर बाजार में चोरों का उत्पात चरम पर है। सुलेमपुर बाजार एवं चौराहे पर मिलाकर एक वर्ष में लगभग एक दर्जन चोरियां हुई हैं, जिसमें किसी का मामला पंजीकृत किया गया, किसी के मामले को टरका दिया गया। जबकि पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कोतवाल टांडा संजय कुमार पांडे ने विवादित बयान देते हुए ये कहा कि केवल एक ही पत्रकार की ही दुकान में चोरी बार बार होती है और कहा किसी का कोई मामला नहीं है। जबकि राम केवल के मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर जनवरी 2021 में चोरी हुई थी, पुलिस जिसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। वही सुलेमपुर चौराहे पर कई दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की, जिसमें राधे श्याम की पान की गुमटी, पन्ना लाल की पान की गुमटी और नसीम डॉक्टर का क्लिनिक मौर्या मिष्ठान भंडार का ताला टूटा। लेकिन पुलिस के भय में आकर नसीम डॉक्टर और मौर्या मिष्ठान भंडार ने बयान देने से मना कर दिया। विजय ज्वेलर्स की दुकान में दोबारा 7 अगस्त की रात नकाब लगाकर चोरी हुई। वही पूरा विश्वास निवासी ओम प्रकाश तिवारी का पानी का मोटर चोर उठा ले गए, जिसके प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी अभी तक माल बरामद नहीं हुआ। वही मोहिद्दीनपुर निवासी राकेश वर्मा की सुपर स्प्लेंडर गाड़ी टांडा कोतवाली के बगैर रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो गई, जिसकी प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए पीड़ित कई दिनों से चक्कर काट रहा है, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सका। वही सुलेमपुर चौराहे के कई दुकानदारों ने पुलिस के भय में आकर अपनी दुकान में हुई चोरी का बयान देने से कतराने लगे। इस प्रकार यदि टांडा कोतवाली का हाल है और कोतवाल टांडा द्वारा गलत जवाब पत्रकारों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली पर सवाल जरूर उठता है। इस क्षेत्र की जनता कैसे सुरक्षित होगी, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, यदि अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। रिपोर्टर सुखबीर राठौर, जिला संवाददाता अर्चना सिंह, प्रदेश प्रभारी की खास रिपोर्ट। थाना कौन सा आपका पड़ता है? था समस्या आपकी क्या? सर वहाँ गए थे, श्रीराम वर्मा के यहाँ जी शपथ पत्र बनवाने के लिए जी। शपथ पत्र वहाँ बनवाने के लिए श्रीराम वर्मा के यहाँ गाड़ी खड़ी की, उसके बाद वहाँ टाइप करवाने के लिए श्रीराम वर्मा के 10 मिनट के लिए जी। 10 मिनट बाद जो हम वापस आते हैं तुम्हारी गाड़ी वहाँ नहीं मिलती, इसके बाद तुरंत थाना दर्ज को जी कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद 112 पे कॉल की, वहाँ से केवल एक पुलिस वाले ने फोन किया कि आपको देखिए क्या मैटर हो जाता है, नाम पूछने को कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद शाम को लगभग 6 बजे दशियतर में कॉल किया गया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स पत्र नहीं मिला है। हम बार बार दौड़ाया जा रहा है, कई दिन हो गया आपकी चीज़ में किया। आठ सात बजे प्रकाश तिवारी, ये बताइए कहाँ के निवासी आप? पूरा विश्राम। समस्या आपकी क्या? हमारा सब चीज खोल लिया गया है और आज तक अभी तक पता नहीं हुआ है। यहाँ प्रभारी निरीक्षक से मैंने कहा कि मेरे की जो है हम सत्ता के लिए रखाने के लिए है, पुलिस का यही काम है। यानी कि आपका प्राथमिकी दर्ज हुआ या नहीं दर्ज हुआ? यार कप्तान के कहने पर दर्ज हुआ। और उन्होंने चोरों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? आज तक ये पहाड़ा पड़ा रहे कि जब मिलेगा तब देखा जाएगा। वो तो कह रहे हैं मेरे क्षेत्र में केवल पत्रकार दिलीप सोनी की ही दुकान में चोरी होती है और कहीं नहीं चोरी होती। इसमें आप क्या कहेंगे? यार मेरा दर्ज है उस पर जो है कप्तान के आदेश पर। आपके नॉलेज में, आपके नॉलेज में सुलेमपुर क्षेत्र में साल भर में कितनी चोरियां लगभग? हां जैसे उनकी है आपको बची होगी शायद, नहीं सब में कुछ चोरियां होती है आज तक।